हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। टुडे आई कुडंट फाइंड मच गुड आर्टिकल। ये क्रॉलिंग ऑन द कैंपस या अशोका यूनिवर्सिटी के बारे में, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। द ओनली टू आर्टिकल यू कैन सी आई फाउंड वर्थ डिस्कसिंग वर द वन हाईलाइटेड। दिस आर्टिकल इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। दिस इज योर होमवर्क। यू हैव टू रीड लेटर एंट्री इन एडमिनिस्ट्रेशन, अ डेविल इज इन डिज़ाइन। यू हैव टू रीड दिस ऑन योर ओन। डोंट री ओपन ऑल बॉट। No, I did not like the article. I literally read it more than half and I couldn't find even a single thing to discuss. मैं सिर्फ ये है कि उन्होंने अयोध्या वर्क देख दिया था इन जज ने, ये सोच के कि हम लोग एक साथ मिलेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। CA और बाकी प्रोटेस्ट उल्टा ही कर रहे हैं। अब ये न्यू इंडिया UUP, यहाँ पे बताया गया है कि UP ने क्या क्या किया है। योगी आदित्यनाथ ने खुद ये आर्टिकल लिखा है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू रीड दिस बाय आवर चीफ मिनिस्टर, यू कैन रीड इट। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द आर्टिकल नाउ। द फर्स्ट आर्टिकल वी आर गोना डिस्कस इज लेबर पेन। इस आर्टिकल में कुछ खास नहीं है, बस ये बोला गया है कि दिल्ली में एक सर्वे हुआ था, उसमें ये बोला गया है कि अभी भी लेबर मार्केट सही नहीं हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट 28.5% है, 11.11% है जनवरी फेब से अक्टूबर नवंबर में। और वुमेन के केस में तो इसकी और भी बुरी हालत हो गई है, मतलब समझो 54.7% से ये 25.6%, ठीक है 25.6% से 54 पे चला गया है। मतलब वहाँ क्या 11 से 28 10%, यहाँ 25 से भी ज़्यादा% वुमेन्स के उस पर हो रहा है। तो इन्होंने कहा है कि जो पीरियड है वो एक एनॉर्मस रह गया है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ने ये सर्वे किया है और ये कहा है देर हैज़ बिन स्टीप राइज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द अर्बन एरियाज ड्यूरिंग अप्रैल जून। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर दोज एज 15 एंड अबव हैड रिजन टू 20.8% ड्यूरिंग अप्रैल जून फ्रॉम 9.1%। तो आप ये देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आप यूजुअली पता है इस आर्टिकल में आपको क्या फाइंड करना है, सिर्फ ये लिखो कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी कोविड के बाद भी नहीं हुआ, कोविड के अफेक्ट्स में लिख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन का बहुत ज़्यादा था, बस एक इतनी कि 24% से 54 पे चला गया था 25 से, जबकि मतलब टोटल अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 11 से 28.5 गया था। दैट्स इट। सो नेक्स्ट आर्टिकल आई एम गोना डिस्कस विद यू इज दिस, द राइट टू हेल्थ। अब राजस्थान ने एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने कहा राइट टू हेल्थ, आपको उनको राइट मिल जाएगा, जो राइट टू ऑल द अदर राइट, दे वॉन्ट द राइट टू हेल्थ इन देयर स्टेट। तो ये आर्टिकल लिखा है कि सुजाता राव ने। इसमें बोला गया है कि कॉलोनियल जब इंडिया से चले गए तो इंडिया ने कहा था हम एक बहुत इक्वालिटी वर्च्यू के साथ एक कंट्री बनाएंगे, इसमें लाइफ ऑफ डिग्निटी और सब कुछ होगी, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे राइट्स थे, बट बिसाइड्स दैट WHO का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1946 में जिसमें कहा गया था कि द हाइएस्ट अटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग बाय एलोकेटिंग द मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्स। इंडिया ने जो साइन किया, पर अभी भी हमारे पास राइट टू हेल्थ नहीं है, ठीक है। तो अभी इस वक्त क्या हो रहा है कि कोविड के बाद HIV एंड ऑल आया, उसके बाद बहुत ज़्यादा डिबेट शुरू हुई यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, कि तुम ऐसा सोसाइटल रेजिलेंस बनाओ जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ इल हेल्थ को कंट्रोल कर सके, ठीक है। सिंस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज बेसिक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिनाइल ऑफ केयर ऑन द ग्राउंड, तो एक ये देखो इसने क्या बोला, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है, एक प्रिंसिपल बताता है कि इक्वालिटी पे रहे और कोई भी ग्राउंड्स पे आपको हेल्थ केयर मना ना करी जाए कि आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक लीगल ऑब्लिगेशन बना देता है कि टाइमली एक्सेप्टेबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर ऑफ अप्रोप्रिएट क्वालिटी एज वेल एज प्रोवाइड द अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ सच एज सेफ पोर्टेबल वाटर। ये सब मतलब हेल्थ के अंदर देखो वाटर फूड सब आएगा ना, साफ खाना देना, साफ एयर एनवायरनमेंट, तो आप बहुत सारे SDG कर सकते हो। दिस इज योर होमवर्क, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑल दी 17 SDGs, ठीक है, एंड टेल मी हाउ मेनी टारगेट्स आर देयर इन दैट SDGs, ठीक है। सो नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अभी जो हमारा हेल्थ केयर है, आप समझ सकते हैं हम लोग सिर्फ 1% अपना GDP का डालते हैं हेल्थ में, जबकि ग्लोबल एवरेज 8% है, ठीक है। तो इससे हेल्थ राइट बेस्ड हेल्थ कवरेज कैसे ही बनेगा, हम लोग सिर्फ 26.95% कर रहे हैं और ग्लोबल क्या कर रहा है 59.5%। हमारे नीचे सिर्फ 20 कंट्रीज़ हैं, हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है 62.67%, और इंडिया 13th कंट्री है जो हाईएस्ट जो हेल्थ केयर पे स्पेंड करती है, ठीक है। तो अब आगे ऑथर ने क्या बताया, उन्होंने ये बताया है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज है पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ना लोग हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में ना स्टाफ है, एक छोटा सा
कमरा है जिसमें एक वैद्य जी बैठ जाते हैं या फिर कोई डॉक्टर आ गया और एक उनके साथ नर्स हुई तो नहीं हुई, नहीं तो कंपाउंडर ही इंजेक्शन लगा के निकल लिया, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजीज कहीं हैं कहीं नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। अब जो ये हो रहा है कि बहुत सारे कंसर्न एफर्ट्स लिए गए, कोविड पैंडेमिक ने तो हमें और ज़्यादा इन ग्राउंड्स पे ला दिया गया है कि इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई हैं हेल्थ केयर सिस्टम में। हमें बेसिक केयर नहीं मिल रही थी, इवन बेसिक पब्लिक फंक्शंस लाइक टेस्टिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग बिहेवियर चेंज रिक्वायर द होल इंक्लूसिव अटेंशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कोपिंग विद वन इन्फेक्शन हैज नॉट ओनली मीन डिनाइंग केयर, मतलब कोविड का मिल रहा था नॉन कोविड केयर नहीं मिला। आपने देखा होगा कि बाकी लोग थे जो जा ही नहीं रहे थे, जा रहे थे तो उन्हें चीज़ें मिल नहीं रही थी, ठीक है। तो अब राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अपने बजट में लाया है जिसे पब्लिक हेल्थ को एक्सेस टू हेल्थ एज अ राइट बोला गया। तो उन्होंने कहा आप इसको करने के लिए आपको इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तीन फीचर्स हैं, एक्सपेंशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बढ़ाना बढ़ाएंगे ये लोग, जिसमें 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को करेंगे। 50% सब्सिडी देंगे नॉन पुअर सेक्शन को अवेल द हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम बाय प्रोवाइडिंग देम कवर ऑफ 5 लाख वर्थ ऑफ कैशलेस ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट एंड अकर्ड एक्रेडिटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और लास्ट ये बोला गया अश्योरिंग कवरेज टू नॉट जस्ट इन पेशेंट बट ऑल्सो आउट पेशेंट। तो ये तीन चीज़ें इसकी हैं, आप अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना, इट कुड हेल्प यू इन आंसर राइटिंग। तो उसमें ये कहा गया इट वुड बी असेंशियल टू सीक्वेंस इन्वेस्टमेंट। उसने कहा अब इसके लिए क्या क्या चाहिए ऑथर ने कहा, सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत साफ सी बात है, इतने बड़े हेल्थ केयर को सबको 2/3 पॉपुलेशन को कवर करने के लिए, ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ के लिए, ठीक है। आपको फोकस करना पड़ेगा मैल न्यूट्रिशन पे, गैप्स फिल करने पड़ेंगे जिससे टॉयलेट सेफ वाटर बेसिक हेल्थ केयर, ये जो बेसिक चीज़ें वो तब पास होंगी तभी जब पूरा जो हेल्थ केयर है वो ऐसा हो पाएगा। तो लास्ट में ऑथर ये कह रहे हैं कि अभी जो कोविड पैंडेमिक है उसने पॉवर्टी और इकोनॉमी को बहुत पीछे कर दिया। अब इस सिचुएशन में स्टेट के पास पैराडॉक्स ये है कि वो एक राइट बेस्ड सोसाइटी बनाए, इसके लिए क्या चाहिए होगा, एक रिसोर्सेज को डबल करना पड़ेगा दैट आर अनअवेलेबल, नेसेसरी रिव्यू करना पड़ेगा क्या इंटरवेंशन चाहिए कि वेस्ट जो पैसा स्टेट लगा रहा है पैसे वो वेस्ट ना हो, एफिशिएंसी आए और मोर रैशनल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज का हो। तो दैट्स इट, आई थिंक आई गेव यू लॉट ऑफ मैटर इन दिस आर्टिकल, रीड इट एंड राइट इट डाउन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।